पार्टी मेरे घर पे है, अकेले आना. एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी फन. ऑफ कोर्स आई विल कम विदाउट माय हस्बैंड. आई एम श्योर इट विल बी फन. अपनी कॉफी लेते हुए जाना, खास तुम्हारे लिए बनवाई स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो, 2 स्पून्स ऑफ शुगर. सो स्वीट ऑफ यू. को तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है. यस, अब खास हो ना इसलिए. तो रात को मिलते हैं विदाउट माय हस्बैंड. परफेक्ट. एक अर्जेंट कॉल आ गया था. आप विक्रांत से मिले? आप आइए आइए प्लीज. मैं लेके सर प्लीज आइए. कौन? हेलो सेतु. सेतु ये बहुत बहुत ही बड़ा कमीना निकला यार. तुझे पता है मुझे पार्टी में बुला रहा है, वो भी अकेले रात को. मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर. मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुझसे मिलना है. ऑलराइट, कॉफी में मिलते हैं. तो नून बायोटेक को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा पलक शर्मा की वजह से. सर इट्स एन एथिकल थिंग. आपके बेटे ने मेरे एम्प्लॉय के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया. मैं सोच रहा हूँ आपकी कंपनी को नोटिस भेजना फॉर एम्प्लॉय अब्यूज, पर मेरे बिग डैडी ने ऐसा करने से मना कर दिया. मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. बिग डैडी किसी से नहीं मिलते. आप मुझसे बात कीजिए. इट्स नाइस कि आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में इतना सोचते हैं. उनके बारे में सब कुछ पता होता है आपको. कमेंडेबल. इट्स इम्पोर्टेंट, स्पेशली अगर आप पलक के बारे में बात कर रहे हैं तो शी इज इम्पोर्टेंट टू मी. और सर आपको भी अपने एम्प्लॉयज का कुछ खास ख्याल रखना चाहिए. वैसे पलक तो आपसे रिलेटेड है. मैं उस पार्टी में इसलिए जा रही हूँ ताकि मुझे पता लगे कि उसने मुझे प्रमोशन दिया क्यों है. हाँ लेकिन अकेले जाएगी क्या? हाँ, अगर वो मेरे क्लोज आया ना तो मेरे पास ये, अगर उसका इंटेंशन मुझे जरा भी गलत लगा ना तो ये मैं उसके मुंह पे मार दूँगी. अगर कुछ हुआ नहीं तो बात का पतंगड़ बन जाएगा. हाँ यार ओके, मत बताना. तुझे पता है मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट लोगों से पूछा ऑफिस में, किसी को पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे ही इनवाइट किया है. कैसे कर सकता है वो ये? कमीना किस्म, मुझे नहीं ना टिशू. कमीना किस्म का लग रहा है यार ये बंदा तो. हाँ ऐसे लोगों को तो ना एक्सपोज करके रखना चाहिए. तू तो बच जाएगी लेकिन वो किसी के साथ कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली. यू शुड कैच हिम रेड हैंडेड. मेरा जर्नलिस्ट बनना कब काम आएगा यार? आई मीन तू जब भी बोलेगी मैं अपने कैमरा टीम को लेकर मैं पहुंच जाऊंगी सही टाइम पे. और एक चीज, तेरे पास कोई भी कुर्ता है जिसमें बटन है? हाँ. डन बीबी, मैं तेरे कुर्ते में बटन कैम फिट कर दूंगी. एंड ही विल बी कॉट रेड हैंडेड, आई एम टेलिंग यू. यस थैंक यू. मैंने अपनी आंखों से देखा
विक्रांत पलक से कह रहा था कि आज रात को पार्टी में अकेले आ जाना, अपने पति को मत लाना। It was disgusting. She said, okay. ये लड़की खेल रही है मेरे रिकी के साथ। डैड शायद इसीलिए पलक को इतनी जल्दी उस कंपनी में प्रमोशन भी मिली और उस विक्रांत ने तो हमारे साथ बिजनेस करने से इनकार कर दिया पलक की वजह से, एक एम्प्लॉय की वजह से। डैड मुझे लगता है मुझे विक्रांत के घर जाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर ये लोग हैं कौन और पलक से उन्हें क्या मिलना है अदर देन। पलक। हाँ। मैंने ना तुम्हारे लिए एक्यूप्रेशर सीख लिया। छोड़। अगर तुम्हारी बॉडी में कहीं टेंशन है या स्ट्रेस है तो मैं प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करके रिलीव करा सकता हूँ। कहाँ से सीखा? तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? अगर तुम मेरे लिए फिजियोथेरेपी कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कुछ सही सही जगहों पर प्रेशर अप्लाई करके तुम्हें स्ट्रेस फील कर सकूं। हाँ पर मुझे तो ऑफिस जाना ना काम से, तो तुमने इतनी मेहनत की है तो एक काम करो, तुम चांदनी की हेल्प कर दो। चांदनी? हाँ चांदनी की हेल्प कर। चांदनी? हाँ। तुम चाहती हो कि मैं चांदनी को एक्यूप्रेशर दूँ? चांदनी को एक्यूप्रेशर दूं? ओके। तुम चाहती हो कि मैं चांदनी को एक्यूप्रेशर दूं? ऐसे क्यों, क्या प्रॉब्लम है यार? तुम बिल्कुल पोजेसिव नहीं हो यार मुझे लेके। यू आर ओके विद मी टचिंग अनदर गर्ल? तुम करोगे? तीना नहीं है यार तेरा, कर लूंगा। आप सीखा है नॉलेज को कहीं तो अप्लाई करनी है, फिर चांदनी हो, टीना हो, ऋषि हो, आजकल क्या फर्क पड़ता है। चांदनी ना मेरी फ्रेंड की डॉग का नाम है, बुढ़ी हो गई है, उसको हेल्प चाहिए। मेरे पास जॉब नहीं है तो मतलब मैं डॉग्स को जाके एक्यूप्रेशर दूँ? अब सीखा है तो हेल्प कर दूँ ना। और ये थोड़ा फैंसी नहीं हो गया चांदनी फॉर अ डॉग? तो क्या तुम्हारी दोस्त का नाम टॉमी है? लेट हो रहा है, बाय। क्या कर रहे हो? मेरे पास कोई बटन वाला कुर्ता पहने से कौन करता है? I'm so sorry यार, इतना नाराज क्यों हो रही हो? बिना बटन के कुर्ता पहन लो। हाँ। मैंने जानबूझ के नहीं फाड़ा ये। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ सेठू। पलक जल्दी कर यार, मैं टाइम से पहुंचना है उसे पकड़ने के लिए। आई नो बट यहाँ मेरा कुर्ता फट गया है और मेरे पास कोई कुर्ता भी नहीं है यहाँ पे। मैं बटन वाला कुर्ता कहाँ से लेके आऊँ? ऐसे सिलना पड़ेगा। अलग सिलने का टाइम नहीं, तो कुछ भी पहन के आ जा तू। जस्ट डू समथिंग। ओके मैं कुछ देखती हूँ, बाय। आई थिंक इससे काम चल जाएगा। इतनी क्यूट बन के प्लीज ना, बाद में बात करते हैं, बाय। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्लाइंट कोई यंगस्टर हो तो फिसल जाएगा यार। बहुत लेट हो रहा है यार, प्लीज। इतना ड्रेसअप हो के आज उस विक्रांत का सच सामने आ जाएगा। हाँ यार, इट्स इम्पोर्टेंट। मुझे जाके चेक करना है कि आखिर ये पलक और विक्रांत का माजरा क्या है। आज पलक को अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। एक मिनट। डैड आइए ना।
थैंक यू। पलक कहाँ है रिकी? नजर नहीं आ रही। काम से बाहर गए। इस वक्त? उसके क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग। उसका बॉस और पूरी टीम उसी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी पार्टी में गई। नहीं रहा, काम पे गई है। कितना बुला है तुर्की? तुझे क्या लगता है? तेरी बीवी को इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा प्रमोशन इतने जल्दी कैसे मिला? She's having an affair with her boss. वो इस वक्त अकेले उसके घर गई है अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। तुझे क्या लगता है उसे ये प्रमोशन अपनी काबिलियत पर मिला? ये प्रमोशन इसलिए मिला because she's pleasing him. Now you don't even make sense, Dad. Why don't you believe? क्यों तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है? मैंने अपने कानों से सुना है वो किस तरह हंस हंस के अपने बॉस से बात कर रही थी। उसने उसे साफ साफ कहा कि आज रात मेरे घर पे पार्टी के लिए आना, अपने पति को मत लेकर आना। और उसने कहा हाँ, और इस वक्त वो उसके साथ उसके घर पर पार्टी मना रही है। देखा आपने पलक को? मिले आप उससे? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वही थी। I'm 100% sure. वो पलक नहीं, वो वही थी। नहीं रहा। You know what? इस प्रोजेक्ट के लिए आरके एक फार्मा का सबसे बड़ा क्लाइंट हूँ मैं, और पलक भी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर वो तुझे बर्बाद करेगी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। पलक मुझे बर्बाद करेगी? ओके, लेट्स हैव अ टॉक हियर, ठीक है? मुझे समझाइए कि पलक मुझे कैसे बर्बाद करेगी। डैड, आइए, लेट्स सिट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, फादर एंड सन कॉन्वर्सेशन। मेरी समझ में नहीं आ रहा पुत्र, तू अभी उस लड़की को बिलीव कर रहा है? तुझे अपने बाप पर भरोसा क्यों नहीं है रिकी? मां पे भरोसा है, उनसे मिलिए पलक, उनसे पूछ लो, एक बार पलक से मिल लो। मैं उससे मिल भी लेता रिकी। ममता जी ने बताया मुझे कि तुझे मेरे बीपी के बारे में कितनी चिंता है, पर मुझे तेरे बारे में चिंता है। तू मेरे बारे में सोच रहा है, मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तेरा क्या होगा? तुझे क्या लगता है मेरे बच्चे, कि मेरा बीपी इसलिए हाई है कि तू खुश है, तू मुझसे दूर जा रहा है, कि तू किसी और से मुझसे ज्यादा प्यार करता है? नहीं, मेरा बीपी इसलिए आया है क्योंकि मुझे चिंता है इस बात की कि ये लड़की तेरा दिल तोड़ेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह एक औरत ने मेरा दिल तोड़ा। देखिए आप लकी, मुझे ममता जी मिल गई। शायद तू इतना लकी ना हो, शायद तुझे ये सेकंड चांस ना मिले। तू समझता क्यों नहीं है मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूं? किससे बचा रहे हैं डैड? पलक से? समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो काम से बाहर गई, वो काम पे है, वो किसी पार्टी में होती, मुझे पता होता। रियली तुझे क्या लगता है? मैं तुझे खुश नहीं देखना चाहता, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? ठीक है, अगर इस वक्त पलक अपने बॉस के घर पे नहीं हुई अकेले के साथ, मैं हार मानूंगा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाऊंगा, अपने बहू के रूप में। तेरी भी बहुत चालाक है, वो जानती है कि एक ना एक दिन तेरा बाप इमोशनल होकर तुझे वापस ले लेगा और फिर वो तेरे पैसों पे ऐश करेगी। तब तक वो अपने बॉस के साथ ऐश कर रही है। That's enough, Dad. Enough. आप मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। You know what, जब आप दरवाजे पे खड़े थे ना, मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो गया, आप मुझे लेने आए हैं। But you are hell bent on humiliating my wife. मुझे और कुछ नहीं कहना। अब देना तेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। I should avoid him trying to break my head against the wall. No point talking to him. पलक, ये रोहन है मेरा कैमरामैन। रोहन और मैं पूरा टाइम विक्रांत के घर के बाहर रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, वी बोथ विल कम इनसाइड, यू डोंट वरी। विक्रांत का घर नेक्स्ट स्ट्रीट में है। आर यू रेडी? तूने अपना बटन कैम वगैरह सब चेक कर लिया ना? हाँ, देखिए मैंने यहाँ लगाया है। परफेक्ट, उस बटन कैम से तू जो कुछ भी देखेगी ना उधर, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे टैब पर। मैं वहाँ सब देख पाऊंगी, सब सुन पाऊंगी, सो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ऑलराइट? और हाँ, ये ईयरपीस,
इसको अपने कान में लगा लेना। इससे हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रहेगा। जो कुछ भी तू कहेगी और जो कुछ भी मैं कहूंगी, वी विल बी एबल टू लिसन टू ईच अदर। ग्रेट। जी मैम, कहाँ जाना है? पार्टी में इनविटेशन है। जी देख से तू, यहाँ कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पार्टी होती तो लोग होते, गाड़ियाँ होती, कुछ शोर होता, राइट? बट यहाँ कुछ नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम है। इस विक्रांत को ना मैं, उसको मैं सबक सिखाऊंगी। आई एक्सपोज हिम। ऑल द बेस्ट हाँ, एंड डोंट वरी, वी विल बी हियर। चल बाय। हम लोग यहाँ पार्किंग में। तुझे दिख रहा है सब कुछ? हाँ। पलक भी केयरफुल है। देख, उसने कहा था कि यहाँ पार्टी है, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पार्टी थी ना, मुझे पार्टी के लिए बुलाया गया था। पार्टी की स्पेशल गेस्ट केवल आप ही हैं। माय गॉड, दिस डज नॉट लुक राइट टू मी पलक। पार्टी तो ऐसी नहीं होती है ना, पार्टी में तो लोग होते हैं। सर की पार्टी ऐसी होती है। कमीना है यार वो। आप आराम से बैठिए, सर भी आते होंगे। जी। पलक, तेरे इस बॉस ने ना कई लड़कियों को ऐसे प्रमोशन के नाम पे फंसाया होगा, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। आई एम श्योर सेतु, ये लड़ाई ना हर उस लड़की के लिए जिसको इस लड़के ने फंसाया है। आई एक्सपोज दिस गाय। सर आप कौन? मुझसे पूछ रहे हो? जब विक्रांत को पता चलेगा ना कि ऐसा सवाल तुमने मुझसे पूछा है, नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। गेट खोलो। सॉरी सर। दैट पलक विक्रांत के घर पार्टी के लिए आई, लेकिन यहाँ पर पार्टी का कोई माहौल लग नहीं रहा है। किसी और की गाड़ी भी नहीं है। दैट इज क्लियर। पलक का विक्रांत के साथ अफेयर है। ये कौन आया है? मेरी हॉर्न को क्या हो गया? What's wrong with it? सेतु? सेतु are you okay? Oh God! उनसे जाकर कहो अपनी गाड़ी का हॉर्न बंद कर। भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है तो काम पर फंस जाएंगे हम। जी सर। जाओ। बोलो तुम, बंद करो इसे। हाँ, हम बस जा रहे हैं। We're just leaving. सेतु, this horn ना, I don't know what to do with this. तू ठीक है? हाँ यार, I'm fine. मैं बस बंगले से बाहर आ गई हूँ, because ये horn बहुत problem दे रहा था मुझे। Suddenly बजने लग गया यार। But don't worry, situation is under control. कोई problem नहीं, किसी को कोई भी शक नहीं, all right? सेतु तू आसपास ही रहना। मुझे नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है। तू तुझे जैसे कुछ लगे ना, तू अंदर आ जाना और शूट कर लेना, okay? मैं तुझे सिग्नल दे दूंगी। सिग्नल चला गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम रेंज से बाहर हो गए। Oh my God! सुन पलक, सिग्नल नहीं आ रहा है, हम रेंज से बाहर हैं। I think मैं घर से बाहर आ गई हूँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। मैं कुछ करती हूँ, मुझे किसी भी तरह तेरे बंगलों के अंदर आना पड़ेगा। You don't worry, okay? Everything will be fine. Okay. You also be careful, okay? सर, अगर आप यहाँ वेट करोगे तो पकड़ेंगे जाओगे? Don't worry. विक्रांत को मैं जानता हूँ, कह दूंगा कि किसी काम के सिलसिले से उसे मिलने आया था। हेलो परक। हाय। प्लीज कम, हैव अ सीट।
मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हनिया, यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही। जी, वो तो देखा मैंने। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ मुझे बुलाया गया है। सेतु तू जल्दी आ। हाँ पलक, मैं बाहर हूँ, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। आई थिंक वी हैव टू गो। कैमरा रेडी? रेडी। स्टिंग ऑपरेशन इज ऑन। ओके, लेट्स गो। फाइल लो। सॉरी, थोड़ा अर्जेंट था। तो क्या कह रहे थे आप? मुझे यहाँ क्यों बुलाया अकेले? या घर जो बातें ऑफिस में नहीं हो सकती वो घर पे ही हो सकती है ना। एक्चुअली मुझे ये कहना था कि यू राइट, मैंने आपको प्रमोशन सिर्फ इसलिए दिया है। कुछ पर्सनल रीजंस हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कोई है जो आपको बहुत पसंद करने लगा है। Really? Like, कौन है वो? आपके बॉस। अपने बॉस के लिए तैयार हो दीजिए। अलग अलग कपड़े चेक कर रही थी। तो ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? ये सब कर रही, हमारी शादी को एक हफ्ता हुआ है। वही तो मैं हूँ, तुम्हारी शादी को एक हफ्ता तक नहीं हुआ।